ये वीडियो आपने देखा होगा, लोकसभा चुनाव के दौरान जब अखिलेश यादव बलिया में रैली कर रहे थे, एक युवक सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए डी में खड़े हुए सुरक्षा के जवानों को चकमा देते हुए मंच पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी चीती सी फुर्ती दिखाते हुए कमांडो ने उसे पकड़ करके नीचे गिरा दिया था। अब इसी शख्स को पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने अपने पार्टी कार्यालय में बुला करके सम्मानित किया है। जी हाँ, जिस शख्स ने यूपी के बलिया में सपा चीफ अखिलेश यादव की जनसभा में सुरक्षा घेरा तोड़ा था, मंच पर छलांग लगा दी थी, आज उसे अखिलेश यादव ने क्यों सम्मानित किया, दफ्तर में बुला करके हजारों की संख्या में जब कार्यकर्ता जुड़े हुए थे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। दरअसल जिस शख्स ने यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव की जनसभा में सुरक्षा घेरा तोड़ करके मंच पर छलांग लगाई थी, आज उसे अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यालय बुलाया और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उसे इस हैरतअंगेज एक काम के लिए उसकी न सिर्फ तारीफ की बल्कि उसे सम्मानित किया गया। अब बात आती है कि आखिर उसे सम्मानित क्यों किया गया, इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इस पूरे घटनाक्रम के पीछे और इस पूरी तारीफ के पीछे क्या वजह है। दरअसल सम्मान देने के पीछे एक बड़ी वजह है। इस शख्स का वीडियो सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हुआ था और अखिलेश यादव ने बाद में इसके बारे में पता लगाया था। उस दिन तो अखिलेश यादव तक ये नहीं पहुंच पाया, लेकिन आज इसको बुलाया गया और इसके साथ ही कुछ युवक युवतियों को भी अखिलेश यादव ने अपने कार्यालय में बुला करके सम्मानित किया। दरअसल इस शख्स का नाम है मणिशंकर यादव। मणिशंकर यादव को सम्मानित करते हुए अखिलेश यादव ने उसे नसीहत भी दी है। उन्होंने कहा कि ये जवान को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने आगे कहा कि भविष्य में ऐसा कभी मत करना, सरकार बनाएंगे और हम लोग आपको नौकरी उपलब्ध कराएंगे। अखिलेश यादव ने आगे ये कहा कि जिस सिक्योरिटी वाले ने पकड़ा था उसे इनाम बाद में दे देंगे। अखिलेश ने सुरक्षा घेरा तोड़ने वाले इस मणिशंकर को सम्मानित करने के पीछे कारण बताया। उन्होंने कहा कि ये नौजवान जिसने अग्निवीर का फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट पास कर लिया है, लेकिन उसको फौज में नौकरी नहीं मिली है। इस नौजवान के सहारे आज के दिन सभी से ये कहना चाहता हूँ कि सपा इस बात को दोहराती है, जब भी समाजवादी पार्टी आएगी तो न सिर्फ अग्निवीर व्यवस्था खत्म कर दी जाएगी बल्कि हम युवाओं को नौकरी भी देंगे। क्या कुछ कहा है अखिलेश यादव ने, सुनिए। समय पे जाना चाहते हैं या फौज की भर्ती में, उन्हें कहना चाहता हूँ कि 15 अगस्त के दिन समाजवादी पार्टी इस बात को कहती है, दोहराती है कि जब कभी हम लोग सत्ता में आएंगे, अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म की जाएगी। और कभी 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 ये सोचते हैं कि अग्निवीर व्यवस्था कौन लेके आ रहा है, वित्त विभाग लेके आ रहा है या डिफेंस का अपना फैसला है। अगर वित्त विभाग ये फैसला ले रहा है तो इससे बड़े दुर्भाग्य की बात कोई नहीं हो सकती है कि पैसे बचाने के लिए आप अग्निवीर जैसी व्यवस्था लागू कर रहे हो। और अगर डिफेंस ऐसा ला रहा हो फैसला, अग्निवीर जैसी आधी अधूरी नौकरी, तो हमें सोचना पड़ेगा कि आज 15 अगस्त के दिन जब हम लोगों ने अखबार उठा करके देखा होगा तो हमारी फौज का एक बहुत बड़ा ऑफिसर जो शहीद हुआ है, और इधर घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं फौज में और खासकर सीमा पर, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही। इसलिए हम लोगों को 15 अगस्त के दिन ये भी सोचना है कि हमारी सीमाएं कैसे सुरक्षित हों। अखिलेश यादव ने आगे ये भी कहा कि कभी कभी ये सोचते हैं कि अग्निवीर व्यवस्था को लाया कौन, अगर वित्त विभाग लेकर के आया तो फिर डिफेंस का अपना फैसला है, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं हो सकती। पैसे बचाने के लिए क्या इस व्यवस्था को लागू करना ठीक है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि अगर डिफेंस ये व्यवस्था ला रहा है तो हमको सोचना होगा कि आज 15 अगस्त के दिन अखबार में आपने देखा होगा कि हमारे फौजी एक जो बहुत बड़े अफसर थे, जी हाँ, वो डोडा के एक शहीद अफसर दीपक की बात कर रहे थे जो कि देहरादून के रहने वाले थे। दरअसल वो एक मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए। उन्हीं का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं फौज में और सीमा में, बहुत सी घटनाएं ऐसी हो जाती हैं, ऐसे में 15 अगस्त के दिन हमें सोचना होगा कि हमारी देश की सीमाएं कैसे सुरक्षित हों। यानी अखिलेश यादव भले ही इस सम्मान के पीछे अपनी बड़ी वजह बता रहे हों, लेकिन वो धीरे धीरे इसमें अपनी सियासत भी कैसे एडजस्ट कर देते हैं ये राजनीतिक पंडित ही जानते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।